अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरीयम तमह पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य स नमः समुपस्थितः अहमेश नारायण दत्त मिश्रः वार्तावल्याः अभिनवे अंके स्वागतं करोमि सर्वेषां अहम् च एषः गवीशः द्विवेदी अपि नारायण दत्त सहकृतः नमस्कारं समर्पयामि सर्वेभ्यः प्रियदर्शकाः चतुर्धा हि भवन्ति मनुष्याः ये भद्रे समूहे राजन्ते आम् के हि ते समूहस्य संघस्य वा उन्नायकाः मनुष्याः इत्येव ज्ञापयति अस्मदीयं सुभाषितमपि चतुर्धा पुरुषा लोके संघ कार्योपकार का मर्मज्ञा युक्त कर्मज्ञा सद्गुणज्ञा सुयोजका सद्गुणज्ञा सुयोजका किसी विषय के मर्म को जानने वाले योग्य कर्मों के बारे में जानने वाले सद्गुणों की समझ रखने वाले और अच्छी प्रवृत्ति से जोड़ने वाले ये चार प्रकार के लोग समूह के कार्यों में उपकारक सिद्ध होते हैं। Four types of people can be benefactors of society. Those who have in-depth knowledge of subjects. Those who can discriminate between good and bad deeds. Those who can identify good qualities and those who can associate with good tendencies. Shobhanam, samuhe va sampurne sansare va jananam vaividhyanugunam varta vaividhyam api jayate iti janihu eva sarve. Aam. अथ एतदेव वार्ता वैविध्यम् प्रवाह युतस्वरे सम्प्रस्तुमः वयम् प्रवाहि वार्ता प्रभागे लोकसभा निर्वाचनस्य अवशिष्टेभ्यः चरणेभ्यः भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेतुः प्रधानमन्त्रिणः च नरेन्द्रमोदिनः हरियाणा दिल्ली प्रदेशो समेत्य अन्येष्वपि राज्येषु निर्वाचनप्रचारः जायमानः अत्र क्रमे अमितशाह राजनाथसिंह जेपी नड्डा योगी प्रभृतयः दलस्य वरिष्ठप्रचारकाः अपि जनसभा समाचर्य जनवतम् अध्यर्थयन्तः सन्ति ऐषमः लोकसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य इण्डीति संयुत्या सम्बद्धाः वरिष्ठ प्रचारकाः अपि सन्ति प्रचारे सजवम् संलग्नाः तावत् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गेः राहुल गांधीः तेजस्वी यादवः केजरीवालः मायावती इत्येषा अथ अन्येषामपि विपक्षिदलानाम् वरिष्ठनेतारः निर्वाचनरणे सन्ति तत्पराः विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः विशिष्टं वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलनं संबोधितवान् तत्र असौ उक्तवान् यत् भारतं वसुधैव कुटुंबकम् इत्याख्यं विश्वबंधुत्व भावं संधार्य वैश्विक पटले स्वीयाभिज्ञानं उपस्थापयति राज्यसभा सांसद पदासीना दिल्ली महिला योगस्य पूर्वाध्यक्षा च स्वाति मालीवालः एक्स इति स्वीय सामाजिक संजाल पटल मुखात् अरविंद केजरीवालस्य छायाचित्रं अपसारितवती देशे क्वचित् निदाघलहरी क्वचित् च अतिवृष्टिः अनुभूयमाना अस्ति ऋतुपरिवर्तन सम्बद्ध समस्या कारणेन जनजीवनं तावत् भृशं जायमानमस्ति दुष्प्रभावितम् राजधानीं दिल्लीं समेत्य उत्तरभारतस्य अधिकांशभागेषु उष्णप्रकोपस्य सञ्चेतना अस्ति ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता फ्रांस देशे आयोज्यमाने सप्तसप्ततितमे क्यान चलचित्र महोत्सवे भारत मण्डपम् इत्यस्य अपि उद्घाटनम् प्रख्यात चलचित्र दिग्गजानाम् उपस्थित्याम् अभवत् तावत् भारतम् प्रथमवारम् ऐषमः क्यान चलचित्र महोत्सवे भारत पर्वणः आतिथ्यम् निर्वहति दर्शकाः संक्षिप्तेन प्रवाहि वार्ता वैविध्येन सुपरिचिताः भवामः वयम् सामयिक घटनानाम् विषये सत्यम् अथ तासु एव सामयिक घटनासु आधृतानि भवन्ति अस्मदीयानि आपेक्षिकाणि प्रतिवेदना दीनि अपि कः अस्ति प्रतिवेदन विशेषः एतस्मिन् क्रमिके वार्तावल्यङ्के इति परिशीलयामः वयम् विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे
महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। अद्वैत सिद्धांत प्रवर्तकः आदि शंकराचार्यः समग्र भारत वर्षस्य यात्रां कृत्वा स्वकीयं दर्शनं प्रवचनेभ्यः शास्त्रार्थेभ्यश्च प्रसारितवान्। भारतीय पंचांगानुसारं प्रतिवर्षं वैशाख मासस्य शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ आचार्य शंकरस्य प्रकटोत्सवस्य अंतर्गतं अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। हिमालयस्थ बद्रिकाश्रमे ज्योतिर्मठे शंकराचार्यस्य महारार्तिक्यं, सिक्किमे वैदिक छात्रैः शोभायात्रा, श्री कांची कामाकोटी पीठे शंकराचार्यस्य विशेष पूजनम् अलंकरणम्, कालडी शंकरस्तूपे ऋक् संहिता पारायणम्, केदारनाथ मंदिर प्रांगणे शंकराचार्यस्य समाधेः पुनरस्थापन कार्यक्रमः, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यासेन ओंकारेश्वरस्थे एकात्मधाम्नि पंचदिवसीयं एकात्म पर्व इत्येते कार्यक्रमाः आयोजिताः। एतेषु कार्यक्रमेषु भारतस्य आर्षचिन्तकानां विशिष्टजनानां च सानिध्ये आचार्य शंकर विरचितानां ग्रन्थानां पारायणं समायोजितं गतम्। एतत् समस्त वैदिकानुष्ठानं पारायणं च महर्षि सांदीपनी वेदविद्या प्रतिष्ठानेन समनुष्ठितम्, यत्र च प्रतिदिनं शांकरस्तोत्राणां गानं पूज्यानां साधूनां आर्षचिन्तकानां च सारस्वत प्रबोधनमपि अभवत्। एतस्मिन् पुण्यधाम्नि आचार्य शंकरस्य पुण्यप्राकट्य पंचम्यां तिथौ मंगलशोभायात्रा अपि आयोजिता। आचार्य शंकरस्य प्राकट्योत्सवम् आलक्ष्य एकात्म पर्वणि अद्वैत वेदांत दर्शनस्य उत्कर्षाय सन्यास परंपरायाः नैके परिव्राजकाः आचार्याः वेदांत शास्त्र विशारदाः च स्ववचोभिः कृतार्थीकृतवन्तः। तो क्या है वो? मैं वही हूँ, तत्व से तत्त्वम् असि, मैं भिन्न नहीं हूँ। प्रज्ञानम् ब्रह्म, ज्ञान से फिर आप उसे अनुभव करेंगे। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं वही तो हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म। इन चारों महावाक्यों की रक्षा और चारों वेदों की रक्षा के लिए कालड़ी में पूर्ण नदी के तट पर भगवान अवतरित हुए आज के दिन। हृदय की जो संवेदना है आपको निश्चित दिशा देगी और उस दिशा से आप दिग्विजय में जा सकते। इसलिए यहाँ से भगवान आचार्य शंकर ने दिग्विजय की यात्रा प्रारंभ की। वस्तुतः एतादृशाः महापुरुषा धृताः जन्म महोत्सवादि कार्यक्रमाः भारतीय चिंतनस्य भारतीय ज्ञान परंपरायाः च संपोषकाः सन्तः, तत् प्रदर्शितान् मार्गान् न केवलं राष्ट्राय अपितु समग्र विश्वाय उद्घाटयन्ति। नीतीश भारद्वाज विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजंस। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा?
और सबसे बड़ा बहाना, इजंट इट अ हॉलिडे टुडे? हॉलिडे 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। पुनरपि स्वागतम सर्वेषां संस्कृत प्रियाणां सुधी जनानां गविष एकांते सुखमास्यताम्। किमिति एकांते भवता सह प्रस्तुति क्रमे दर्शकान् सम्मुखी करोमि ननु। जाने जाने परम सभावः न आसीत् मम दर्शन तत्त्वं परिभाव्य नाम शंकराचार्य प्रतिपादितम् अद्वैत दर्शन माहात्म्यम् आश्रित्य उक्तम् आसीत् मया एकांते सुखमास्यताम् इति। एवम् अवगतवान् अहम् अधुना यत् अद्वैत तत्व वैशिष्ट्यख्यापकस्य संवादस्य प्रस्तुत्यर्थं भवान् एकं शब्दं उक्तवान्, परं भावद्वय रूपस्य वचन प्रक्रमस्य कृतवान् प्रयोगम् इति। आम्, यतः एकः एव द्विविधः अवगम्यते इति बहुधा प्रतिपादयितुं साधित सम्पर्कः अस्ति वार्तावल्याम् अद्वैत दर्शन विश्लेषकः स्वामी वेद तत्त्वानन्द पुरीवर्यः। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे अद्य विशेष संवादाय अस्माभिः सह अस्ति मध्य प्रदेशस्य आचार्य शंकर सांस्कृतिकैकता न्यास संस्कृति विभागस्य आचार्यः स्वामी वेद तत्त्वानन्द पुरीवर्यः। नमस्कारः महोदय। नमस्कार। वार्तावली संवादे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादाः। स्वामीवर्य, सर्वादौ तु एतद् ज्ञातुम् इच्छामि यत् भवान् आदौ अभियान्त्रिकी क्षेत्रेण सम्बद्धः आसीत्, कथमिव आदि शंकराचार्य प्रतिपादितैः सिद्धान्तैः संयुक्तः सम्प्रेरितः च जातः? अहम् अभियान्त्रिकी अध्ययनकाले विवेकानन्दस्वामिनां विचारैः प्रेरितः अभवम्। अस्तु। वस्तुतः यद्यपि सर्वेपि सिद्धान्ताः उपनिषदाम् एव सिद्धान्ताः सन्ति, ते एव सिद्धान्ताः आचार्यशङ्करैः प्रतिपादिताः सन्ति, ते एव सिद्धान्ताः विवेकानन्दस्वामिभिः उक्ताः सन्ति, परन्तु अहं साक्षात् ग्रन्थं तु विवेकानन्दस्वामिनां पठितवान्। अग्रे गत्वा मया संस्कृतम् अधीतं, न्यायादिशास्त्रम् अधीतं, ततः परं यदा वेदान्तस्य अध्ययनं कृतं संस्कृतभाषया तदा आचार्यशङ्करस्य ग्रन्थाः मया अधीताः, तदा ततोपि प्रेरणा मया लब्धा इति एवं मम सम्बन्धः वर्तते। अस्तु महोदय। अत्र आदिशङ्कराचार्यस्य प्रतिपादितसिद्धान्तविषये तदीयभाषाशैलीविषये ज्ञातुमिच्छामि। आचार्यशङ्करेण प्रामुख्येन भाष्याणि रचितानि, स्तोत्राणि अपि सन्ति, अन्यप्रकरणग्रन्थाः अपि सन्ति, तथापि भाष्यमेव सर्वप्रधानम्। भाष्यस्य इयमेव परिभाषा वर्तते, सूत्रस्थं पदमादाय पदैः सूत्रानुसारिभिः इत्यादि रूपेण वर्तते, तस्मात् आचार्यैः ईदृशी शैली अङ्गीकृता। भाष्यग्रन्थं यदि पश्यामः तर्हि तत्र लालित्यविषयः अल्पः, यतोहि तत्र युक्तिविषयः प्रधानः भवति, युक्त्या प्रतिपादनीयं भवति, तस्मात् तत्र कवेः कवित्वं तथा प्रस्फुटितं न भवति। सम्यगेव। परन्तु स्तोत्रेषु इदम् अत्यन्तं परिलक्ष्यते, स्तोत्रे प्रायः युक्त्या बोधनं नास्ति, तत्र तु कवेः प्रतिभायाः प्रकाशनार्थं महान् अवसरः वर्तते। सामान्यतः जगति विद्यमानानां घटनानां व्यक्तीनां विषये वक्तव्यं चेत् काव्यरचनं सरलं भवति, परन्तु दर्शनविषयः अत्यन्तं ललिततया प्रतिपादनीयः इति आचार्यस्य अत्यन्तं विशिष्टं वैशिष्ट्यम् अस्ति। बहु सम्यक् स्वामीवर्य। सनातनधर्मस्य पुनः प्रतिष्ठापनाय आचार्यशङ्करः सफलम् आयासं कृतवान्, तदीयं सफलम् आयासम् उत सङ्घर्षम् अथ तदीयं प्रभावं कथं पश्यति भवान्? भगवतः बुद्धस्य आगमनात् पूर्वं भारतवर्षे आध्यात्मिकक्षेत्रे, यत्र वयं निवृत्तिमार्गं वदामः, तत्र अत्यल्पाः सम्प्रदायाः आसन्। पूर्वमीमांसकानाम् अर्थात् प्रवृत्तिमार्गिणाम् अत्यन्तं प्राधान्यम् आसीत्। भगवतः बुद्धेन तद् भग्नं, ततः परं भगवतः बुद्धेन स्थापितः बौद्धधर्मः सकालेन
तत्र एवं ग्लानिं गतः तस्य अपसारणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् आसीत् तद् आचार्यैः कृतमस्ति एवञ्च तत्र क्वापि यद्वयं सामान्यतः शस्त्रैः युद्धं तथा क्वापि नावलम्बितं केवलं विचारेण यदि क्वचित् विरोधः वर्तते तर्हि अहं भवत्याः शिरश्छेदं करोमि इति क्वापि नासीत् यदि भवत्याः विमतिः वर्तते तर्हि आगच्छतु उपविशतु वार्तालापं कुर्मः वार्तालापेन यत् सिद्ध्यति तस्य अङ्गीकारं कुर्मः इति सामान्या शैली डायलाग् इति सम्प्रति सर्वत्रापि देशे विदेशे उच्यते तादृशः मार्गः आचार्यैः अवलम्बितः एवञ्च सनातनधर्मस्य या ग्लानिः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति इत्युक्तमस्ति भगवद्गीतायां तादृशी ग्लानिः तदानीम् आसीत् तां ग्लानिम् अपाकृत्य सनातनधर्मस्य सिद्धान्तान् अत्यन्तं युक्तिसङ्गततया प्रतिपाद्य सनातनधर्मस्य या प्रतिष्ठापना तो अभी आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम वार्तावली और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिंदगी आपके लिए कुर्बान है, ट्वेंटी फोर बाय सेवन फॉर 2047। ये मोदी की गारंटी है। और साथियों, ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखता नहीं है भाई, नीचे करिए आप। साथियों, देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए और मुझे भी मजबूत साथी चाहिए। और इसलिए दिल्ली में भी ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों को राजधानी का प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो, विकसित भारत का मेरा संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे साथ ही बने। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर निकला हूं, तब से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भाई, आप लोग कुछ समझते हैं कि नहीं है? आप ये बोर्ड नीचे करेंगे क्या? ये जो भी है वहां सारे को इकट्ठे कर लो भाई, कोई एक इकट्ठे कर लो सब। भाई आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन प्यार इतना मत करो कि पीछे वालों को दिखाई ना दे। ये लोग दूर दूर से आए हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप चाहते हैं देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बने, आप चाहते हैं दिल्ली के सभी सांसद हमारे जीत करके आए, तो इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। हर बूथ में कमल खिले तभी तो देश मजबूत होगा। साथियों, विकसित होते भारत की राजधानी भी विकसित दिखनी चाहिए,
विकसित होनी चाहिए। आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, नया संसद भवन हमारी शान और बढ़ा रहा है, नेशनल वॉर मेमोरियल आजादी के बाद देश के जवान इसके लिए मांग करते थे, प्रतीक्षा करते थे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया दिल्ली में बैठी हुई सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का उनको महत्व नहीं समझ आया। देश में लोगों की सुरक्षा करते करते करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए, हमारी रक्षा करते करते शहीद हुए, उन पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस के जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा, मोदी आया तब जाकर के बना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मेमोरियल एक परिवार के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन इतने प्रधानमंत्री हो गए उनको स्मरण करने के लिए उनकी राजनीति उनका परिवारवाद आड़े आया। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है, जो जीता है लोकतंत्र के लिए, जो खपता है लोकतंत्र के लिए, और उसने देश में पहली बार सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाया। ऐसे अनेक स्मारक बन रहे हैं जो आधुनिक दिल्ली के दर्शन कराते हैं। हर शाम जब कर्तव्य पथ पर हजारों परिवार खुशियां के पल बिताते हैं तब लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। साथियों, मोदी का 10 वर्ष का सेवा काल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का कालखंड रहा है। मेरा फोकस रहा है ईज ऑफ लिविंग पर, ईज ऑफ ट्रैवल पर। 10 साल पहले दिल्ली में नेशनल हाईवे की लंबाई 80 किलोमीटर थी। अब ये 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। इन 10 सालों में 4 लेन के हाईवे इसकी लंबाई दोगुनी हो गई है। हजारों बड़े वाहनों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वो उपलब्धियां गिनाते हुए जहां देश के सौभाग्य की बात कर रहे तो वहीं देश के दुर्भाग्य का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि देश के सैनिक जो कि देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं उनके वॉर मेमोरियल बनाने के लिए 70 साल गुजर गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनकी सरकार आई तो क्या कुछ विकास इस देश में हुए, वो तमाम उपलब्धियां जनसभा के माध्यम से वो गिना रहे हैं दिल्ली की जनता को। और आइए आपको वापस ले चलते हमारे खास कार्यक्रम की ओर। बहु सम्यक महोदय। आचार्य शंकर प्रतिपादितैः सिद्धान्तैः भवता अत्र अस्माकं दर्शकाः ज्ञापिताः, भवता वार्तावली कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमस्कारः। धन्यवादः। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH.
जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH, तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH स्वागतमस्तु सर्वेषां प्रियदर्शकानां संस्कृते प्रसारणे एतस्मिन्। सर्वत्र प्रियता प्रदर्शकाः भवन्तः वार्तावली वीक्षकाः निरन्तरं प्रार्थ्यन्ते अस्माभिः यत् वार्तावली इत्याख्यस्य संस्कृतकार्यक्रमस्य समीक्षणम् अस्मभ्यं साधिकारं प्रेषयन्तु भवन्तः भवत्यश्च इति। यतः वार्तावली वीक्षणात् परं विहितं समीक्षणप्रेषणमेव भवतां भवतीनां च सिध्यति प्रस्तुति पाठे स्वरूपम् अस्मदर्थम्। एतस्य अंकस्य समीक्षणाय प्रदर्श्यमानेषु संकेतेषु स्वीयाभिप्रायान् नूनं प्रेषयन्तु भवन्तः। अस्तु, परम् अधुना अर्धहोरावधिना बद्धाः वयं भवद्भिः अनुज्ञापनीयः। पुनरपि नवांके अभिनवं बहु किमपि आनीतुम्। तावत् भावयन्तु स्वस्य अन्येषां च स्वस्तित्वं प्रणतिपूर्वकम्।